Hi, hello everyone. My name is Sumit Kishore Devre. I am from 8th Standard Pinnacle Coaching Classes. I am going to tell you about what indicators. So what is indicators? So basically indicators मतलब इशारा करना, किसी को बताना. मतलब आप अगर कभी पर बाइक पर जा रहे हो और आपको अगर टर्न लेना है तो आप पीछे वाले को इंडिकेटर से बताओगे कि आप राइट को टर्न ले रहे हो, जिससे आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, जिससे आप ठीक से टर्न ले पाओगे. वैसे ही इंडिकेट होते. तो हम एक एग्जांपल लेते. जब कभी आपने एक शर्ट होगा, जैसे कोई भी शर्ट होगा, उसके ऊपर अगर हल्दी गिर गई तो आपने जब उसे साबुन से धोया होगा तो वो लाल हो गया उसका कलर, क्योंकि साबुन जो होता है उसके अंदर अल्कलीज होती है, मतलब बेस. और टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसके वजह से वो उसका रंग लाल हो जाता है. इसलिए मतलब बेसिकली इंडिकेटर्स इज अ केमिकल सब्सटेंस डेट चेंज देयर कलर्स बाय कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ एसिड्स और बेस. सो दिस इज द डेफिनेशन मतलब ऑफ इंडिकेटर्स. मतलब ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में आने के बाद अपना कलर चेंज करता है, उसे इंडिकेटर कहते हैं. और हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब ये देखते हैं हम. क्योंकि इंडिकेटर्स, अगर आप समझो लींबू है, मतलब साइट्रिक एसिड होता है, इसलिए वो खट्टा लगता है. मतलब अगर कोई भी चीज़, कोई भी एसिड या फिर कोई भी सॉल्यूशन जो खट्टा है, मतलब उसके अंदर एसिड हो सकता है. मतलब हम ऐसा थोड़ी कि हम टेस्ट करेंगे और वो अगर सोर लगा तो वो एसिड होगा, लेकिन अगर वो एक हार्मफुल एसिड रहा तो हमारे पूरे बॉडी को वो बहुत नुकसानकारक हो सकता है. इसलिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे एक्सीडेंट ना हो. जब हम किसी का भी टेस्ट, किसी भी एसिड या बेस का चेकिंग करें तो हमारा एक्सीडेंट ना हो, जिससे सेफ्टी बरकरार रहे लैबोरेटरी.